तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, आज का व्लॉग मैं कुछ अच्छी जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ। पांडवों में जो भीम थे उसका मंडप यहाँ पे बना हुआ है, जो कि गुफा में बना हुआ है पूरा। ये सारी जगह पूरी मैन मेड है, पहाड़ के नीचे गुफा बनी हुई है, बहुत सारी गुफा बनी हुई है। और यहाँ पे कुछ बहुत ऐसी चीज़ें भी है जो हमने कभी देखी नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आज वही सब एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर नेचर की ओरिजिनल ब्यूटी बाहर आ रही है। यहाँ पर ऐसी जगह आई है, आप लोग भी बने रहो। वर्चुअली मैं आप सबको पूरा दिखाऊंगा, आज मजा आएगा। तो गाइस, अभी कुछ ऐसी जगह मिली है। यहाँ पे जो पुराने वाले लोग थे वो पानी इकट्ठा करने के लिए करते थे, ऐसा एक होल मिला है। ये देखो, और ऐसा इतना पतला सा रास्ता है यहाँ पे। ये देखो, मुश्किल से एक लोग चल सकता है। और यहाँ पे सुंदर सा नज़ारा आता हुआ डैम का, जो कि बहुत ही सुंदर डैम है। और ये देखो, सामने से हम लोग आए थे अभी वहां से। ये देखो कैसे ऐसी कुछ गुफा बनी हुई है यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह भी है। और यहाँ पे ऐसी गंदी बदबू आ रही है पूरी, काफ़ी अंदर है यहाँ पे। और मेरी आवाज़ भी अच्छी खासी गूंज रही है यहाँ पे। गुफा से तो बाहर आ चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी वो सामने गुफा दिख रही है, वहाँ पे जाना है हमें भी। बहुत दूर है वो गुफा। ये देखो गाइस, कितना बड़ा, कितनी बड़ी गुफा ये। कहा जाता है कि हाथियों को रखने के लिए ये जगह बनाई गई थी। कितनी बड़ी गुफा गाइस, ये देखो आप साइज देखो गुफा का। वीडियो में शायद आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन ये रियल में बहुत बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी है। और ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके जिस तरह बहुत सारे रूम हैं इसमें, ऐसे छोटे छोटे बनाए हुए हैं, जो कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा कुछ रास्ता बना हुआ ऊपर जाने के लिए, जो कि भीम का मंडप बंधा हुआ है। ये देखो, पूरा का पूरा झाड़ियों के बीच में से बना हुआ है। यहाँ से स्टार्टिंग होता है, पूरा का पूरा सकड़ा रास्ता है।
ये देखो गाइस, यहाँ पे तो झुक के जाना पड़ेगा। वापस से सही आ गया। स्ट्रगल बहुत है यहाँ पे चढ़ने के लिए। यहाँ से नजारा देखो कितना सुंदर। अभी हम लोग थे वहाँ पे और उसके बगल में डैम है, ये कितना सुंदर है। ये सीढ़ियाँ देखो गाइस, पूरी मैन मेड सीढ़ियाँ है जो कि पांडवों ने बनाई थी। ये स्ट्रगल देखो, एक और गुफा आ चुकी है। सारी गुफा सेम ही है ऑलमोस्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऐसे दो कमरे टाइप बने हुए हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वो मेन प्लेस पे जहाँ पे भीम का मंडप लगा हुआ है। ये देखो गाइस, ये जगह कुछ अच्छी है, ये गुफा कुछ अच्छी गुफा है, दिखाता हूँ मैं आपको। सांसपुर के ऊपर आने में, और यहाँ पे रास्ता ऐसा है ना कि पूरा पूरे झाड़ के बीच में से बना हुआ है, और प्रॉपर सीढ़ियाँ भी नहीं है चढ़ने के लिए। ये देखो गाइस, ऐसी कुछ गुफा है जहाँ पे भीम का मंडप लगा हुआ है। ये देखो, कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे मंडप बंधा था भीम का। मैंने यहाँ के पंडित जी से भी पूछा था, उसने भी यही कहा था कि ये इसी जगह पे मंडप बंधा था भीम का, और ऐसा लगता भी है कि प्रॉपर शादी वाला मंडप है ये। और इस जगह को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। यहाँ भी देखो, अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम लिख दिए, ऐसा मत करो गाइस। और यहाँ भी कचरा कितना फैला हुआ है, ये देखो। और पता नहीं ये पत्थर किस चीज़ के यहाँ पे छोटे छोटे, ये देखो एक के ऊपर एक रखे हुए। चलो अभी थोड़ा सा ऊपर और बाकी है जगह, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे गाइस एक और गुफा आ चुकी है, लेकिन अभी यहाँ नहीं रुकेंगे हम लोग, सीधा ऊपर चलेंगे। ये देखो गाइस कितना स्ट्रगल है ऊपर चढ़ने में। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर आने में जो हालत ख़राब हुई है ना, बहुत हालत ख़राब हो गई। और ऊपर जा के जो व्यू मिलता है ना ऊपर आके, भाई साहब कोई जस्टिस नहीं कर सकता उस व्यू को, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। लेकिन सांस बहुत फूल गई। अच्छा वो हम लोगों ने नीचे से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया था, इसीलिए इतना कुछ गला सूखा नहीं हमारा, लेकिन बिना पानी के आता तो हालत ख़राब हो जाती हमारी। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ नया देखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, यूज़र नेम यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। ये देखो गाइस एक और गुफा, यहाँ पे शिवलिंग जैसा कुछ बना हुआ है।
इसका शेप पूरा शिवलिंग जैसा है। इसका शेप देखो गाइस, पूरा शिवलिंग जैसा लग रहा है। लेकिन ये गुफा में अंदर अभी पूरा अंधेरा है। कैमरा अपने आप ISO एडजस्ट करता है, इसलिए आपको थोड़ा उजाला जैसा दिख रहा है। ये देखो पूरा शिवलिंग लग रहा है। ये देखो त्रिशूल भी बना हुआ है इस पर।